बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने माइक्रोटिक रोटर बोर्ड के अंदर ट्विटर की जो ट्रैफिक थी उसकी स्पीड को कंट्रोल करना सीखा था। आज हम इस वीडियो में जो हमने माइक्रोटिक रोटर बोर्ड के अंदर Layer 7 के अंदर जाके हमने स्क्रिप्ट ऐड किया था, वही स्क्रिप्ट जो है जो हमने पिछली वीडियो में ट्विटर के अंदर लगाया था, वही स्क्रिप्ट यूज़ करते हुए आज हम अपने जो आपके माइक्रोटिक से जो पोर्ट आउट हो रही है ना, जिससे ट्रैफिक आपकी आउट हो रही है, इस पोर्ट्स के साथ जितने भी आपके यूज़र कनेक्ट होंगे ना, चाहे वो PPOE के हों, हॉटस्पॉट के हों, DHCP के हों, जो सा मर्जी आपने सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, कन्फिगर किया हुआ है, तो उनके साथ जो जितने भी आपके यूज़र चल रहे होंगे ना, उनको ट्विटर की एक्सेस नहीं मिलेगी। यानी उसको आज हम ब्लॉक करेंगे अपने माइक्रोटिक के अंदर। किस तरह से ब्लॉक करना है, चलते हैं विनबॉक्स को ओपन कर लेते हैं और इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन कर लें। मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी आपको सिखाई हुई है। देखिए, मैंने एक वैन बनाई हुई है, एक लैन बनाई हुई है। जो ये वाली पोर्ट है ना, इसको मैंने लैन बनाया और ये वाली मैंने वैन बनाया। तो आपको ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगरेशन सिखाई हुई है। इसके अंदर मैंने PPOE का सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। तो एक मैंने इसके अंदर यूज़र डायल किया हुआ, यूज़र बनाया हुआ है जिसको हम PC के अंदर डायल करेंगे। तो ये देखिए, अभी नो इंटरनेट एक्सेस है ना, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे डायल, ताकि इंटरनेट हमारा चल जाए। अली नाम का यूज़र है ना, उसका पासवर्ड लगा लेता हूँ। लें जी, कनेक्टेड हो गया। तो अब हम चलते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इंटरनेट चल गया कि नहीं। लें जी, इंटरनेट चल गया। अब ट्विटर भी देख लेते हैं, ट्विटर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये देखें, हमारे पास ट्विटर की वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ओपन हो रही है। तो अब हम इसको ना ब्लॉक करेंगे। तो उसके लिए आपने माइक्रोटिक के अंदर चले जाना है, इसको ओपन कर लेते हैं, और IP के अंदर जाके हमने फायरवॉल में जाना होता है, ठीक है। उसके बाद Layer 7 प्रोटोकॉल्स के अंदर जाना है आपने। Layer 7 प्रोटोकॉल के अंदर जाना है आपने और प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने नेम लिख लेना है, ट्विटर अंडरस्कोर ब्लॉक कर दे, और नीचे आपने स्क्रिप्ट ऐड करनी है जो मैंने पिछली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी थी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देता हूँ, कॉपी कर लें और यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना। अप्लाई, ओके, ये वाला स्क्रिप्ट था, और कुछ भी आपने नहीं करना। जस्ट फिल्टर रूल के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपने प्लस पे आ जाना है, जनरल पे जाना है आपने, और यहाँ पे कुछ नहीं करना। एडवांस पे चले जाना है, Layer 7 प्रोटोकॉल के अंदर ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ट्विटर अंडरस्कोर ब्लॉक जो आपने अभी Layer 7 के अंदर ऐड किया था स्क्रिप्ट, उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्शन में जाना है आपने, एक्शन में जा के इसको कर देना है यहाँ पे ड्रॉप, अप्लाई, ओके। ये देखें, अभी इस पे ट्रैफिक इससे आउट नहीं हो रही, इसलिए 0 bytes शो कर रहा है। तो इसको मैं देखें, मैं पहले देख लेता हूँ, गूगल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, गूगल ओपन हो रही है, यूट्यूब ओपन करवा देता हूँ, यूट्यूब। ये देखें जी, यूट्यूब भी चल रही है, ये देखें। तो अब इसको मैं ना बंद करके ट्विटर को ओपन करता हूँ फिर से। ये देखें, आपके पास ये ट्विटर ऑन हो रहा है। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट आपके ब्राउज़र के कैशे में सेव हो जाती है। तो जब वो सेव हो जाए तो वेबसाइट जो है ना वो जल्दी से ओपन हो जाती है। तो इस कैशे फाइल को अब हम ब्राउज़र के अंदर रिमूव करेंगे, यहाँ पे आ जाएं, और उसके बाद आपने हिस्ट्री पे चले जाना है और यहाँ पे एक को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके इसको
रिमूव कर दें, यहाँ से इसको क्लियर कर दें आपने। क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे जाके आपने, यहाँ पे जाके आपने यहाँ पे तीनों को टिक लगा देना है, और यहाँ पे जाके भी ये सिलेक्ट करके इसको सबको यहाँ से रिमूव कर दें, क्लियर कर दें इसको। तो अब ये जो जितने भी फाइल है ना, ये ब्राउज़र के अंदर से ना ये डिलीट हो जाएंगी। एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपने इस एक जो है ना ऑल टाइम करना है, यहाँ पे ऑल टाइम पे करके इसको ओके कर दें। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से मैं नया टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ट्विटर लिखता हूँ। ये देखें अब बाइट्स चलने शुरू हो गई हैं, ये देख लें आपको नज़र आ रहे हैं, और आपको यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखें जब भी हमारा कोई यूज़र ट्विटर को ओपन करने की कोशिश करेगा तो उसका ट्विटर जो है ना वो ओपन नहीं होगा, उसको एक्सेस नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं, ये देखें दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से करके आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।